में बोलने के लिए मौका दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग का मतलब कि समाज के हर तबके को न्याय मिले और अधिकार मिले। अधिकार क्या मिले? अधिकार समाज में बराबरी का जीने का मिले, और वो तब मिल पाएगा कि जब उसका जीवन स्तर हर उस वर्ग के बराबर जो समाज में अग्रणी बैठा है, तब उसको बराबर का अधिकार मिल पाएगा। बहुत पहले बाबा साहब ने शुरुआत जरूर करी कि उन्होंने बराबर के हक का, बराबर के न्याय का, समानता का, जो बहुत सी कुरीतियां थी उनको दूर करने के लिए अभियान चलाया, और कांग्रेस ने उनको मौका दिया कि संविधान सभा का उनको ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया, और उन्होंने बहुत से प्रावधान उसमें किए। किन पिछले 70-80 साल में कुछ सुधार होना संभव हुआ, पर आज भी बहुत जरूरत है। इस विभाग द्वारा बहुत से ऐसे काम किए जा रहे हैं, पेंशन जिसके भी बहुत से सदस्य बात कर रहे थे, और भी बढ़ाने की बात कर रहे थे कि और दायरा बढ़ाओ। पिछली बार कांग्रेस की सरकार ने इसको बढ़ाते बढ़ाते आज कम से कम 90 लाख पेंशनधारी इस राजस्थान में, प्रदेश में हैं, और बहुत बड़ा दायरा उन्होंने बढ़ाने की कोशिश की। वो पिछली सरकार ही थी कि जिसकी सबसे पहली कैबिनेट मीटिंग हुई तो उसमें फैसला लिया, तीन जो बड़े फैसले लिए उसमें एक फैसला ये भी था कि जो 250 रुपये पेंशन है उसको 500 रुपये किया जाए। इसी सरकार ने 500 को 1000 रुपये मिनिमम किया कि 1000 रुपये से कम पेंशन नहीं मिलनी चाहिए, और उसी सरकार ने कानून बनाया कि हर साल 1 अप्रैल को 15% स्वतः बढ़नी चाहिए। ये सरकार उससे कहां आगे जाएगी, अब ये देखने की बात। पिछली सरकार ने बहुत से प्रावधान जो किए, चाहे बोर्ड हो, निगमों हो, उनके माध्यम से, और इस बार जो SC/ST के ऋण की सीमा जो तय की है नाम मात्र की, 86 नंबर का ये पॉइंट है, और जिसमें साफ लिखा है अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति विकास के लिए 100 करोड़ रुपए की सहायता उपलब्ध किया जाएगा, और उसमें अन्य पिछड़ी जाति भी विकास निगम में सम्मिलित होगा, उसमें अल्पसंख्यक विकास निगम के माध्यम से भी ऋण दिलाया जाएगा। तो 100 करोड़ रुपए SC/ST किस किस में बांटोगे, और OBC को भी आपने शामिल किया है, वाल्मीकि समाज को अकेले को पिछली बार 100 करोड़ का प्रबंध किया है, जिसको भी आपने लिखा है कि सफाई कर्मचारी को, जबकि 100 करोड़ का उसका अकेले का प्रावधान किया था। एक तरफ आपके डबल इंजन की सरकार कह रही है कि हम उद्योगपतियों को, उनको जो ऋण दे रहे हैं, कर लाखों करोड़ रुपए में दे रहे हैं, 16 लाख करोड़ रुपए का तो ऋण राइट ऑफ कर दिया, और इनको 100 करोड़ का दे रहे हैं कि भी ज्यादा ऋण देंगे तो कोई डूब नहीं जाएगा। एक तरफ आप 16 लाख करोड़ रुपए का ऋण उनका माफ होने जा रहा है, और इस 100 करोड़ में भी सारे बोर्ड कर दिए, कम से कम इनको अलग अलग तो करो ताकि पता चले किस बोर्ड में कितना पैसा आप देने वाले। आप विश्वास कर सकते हैं क्या कि अगर OBC बोर्ड भी को भी वो पैसा जाएगा तो बचेगा क्या इसी के लिए? उसमें कुछ सोचने की बात है मंत्री महोदय, आप जवाब दे। कम से इसके प्रावधान अलग अलग करें, अगर बजट बढ़ाने के लिए नहीं है कम से कम अलग अलग, और कम से कम 100-100 करोड़ सबको करोगे तो थोड़ा बहुत काम चल। छात्रवृत्ति की अभी बात कर रहे थे, छात्रवृत्ति की बहुत बड़ी समस्या बच्चों की है, जब उनको एक एक साल दो दो साल छात्रवृत्ति नहीं आती तो दिक्कत होती है, और एक बहुत बड़ा इसमें खेला हो रहा है, ये जो इंस्टीट्यूट खुल रहे हैं इतने सारे, बहुत सारे, ये उनकी छात्रवृत्ति में भी रोड़ा लगाते हैं जब तक उनको उसमें से पैसा नहीं दिया जाए। ये पैसा उनका नहीं है, ये पैसा उस जो पढ़ रहा है उसको दिया जा रहा है, उससे चाहे वो फीस चुकाए और कुछ करे, पर इसमें भी कहीं ना कहीं डगा लगाया जा रहा है। आप लोगों ने करीब 311 इंस्टीट्यूट अभी
उनको मार्क भी किया है कि जिनमें आप लोगों ने कहा है कि इनकी गड़बड़ियां हैं और गड़बड़ियां पकड़ी हुई हैं, पर इन इंस्टीट्यूटों को गड़बड़ियां पकड़ने से नहीं होगा। जो ये वहां एक नया खेला शुरू हो गया है उसकी तरफ देखना पड़ेगा। ये एक ही जांच अधिकारी सबकी जांच कर रहा है, क्या और विभाग में अधिकारी है ही नहीं? सिर्फ एक अधिकारी है जिसके भरोसे जांच कमेटी चल रही है, सबकी वही जांच कर रहा है और उसके बाद में उसमें सेटलमेंट का काम चल रहा है। ये नहीं चलेगा। आप और किसी से जांच कराए, उनको दंडित करने का काम करें, उन्होंने जो गलतियां करी है उनको पकड़ने का काम करें, तब ये काम हो पाएगा। छात्रों को छात्रवृत्ति का बहुत बड़ा एक समस्या आती है। अगर ई मित्र की छोटी सी त्रुटि हो जाए, मंत्री महोदय, अध्यक्ष महोदय, सभापति, आपका कई बार ई मित्र वाले छोटी सी गलती कर देते हैं जब वो छात्रवृत्ति का आवेदन करता है, और उसके बाद में वो भटकता रहता है, वो स्टूडेंट उसको छात्रवृत्ति नहीं मिलती। इसमें थोड़ा सा सरलीकरण करें कि अगर कोई गलती ई मित्र वाले ने बारह भरने में त्रुटि कर दी कोई छोटी सी, तो कहीं ना कहीं अमेंडमेंट उस स्तर पर होना चाहिए, किसी स्तर पर होना चाहिए, जिला स्तर पर, ताकि वहां उसमें सुधार कर सके। उसमें सुधार ही नहीं होता और उसकी छात्रवृत्ति हमेशा के लिए लटकती रहती है। गलती किसी से भी हो जाती है, मान्य भूल भी हो सकती है, पर सुधार का उसमें ऐसा सरलीकरण हो कि उसको सुधार जिला स्तर पर वो सुधार हो सके, ये आप लोगों को देखना पड़ेगा। एक तो छात्रावास चल रहे हैं, इस छात्रावास में एक एक जो अधीक्षक उसके तीन तीन चार चार का जो जिम्मा दिया जाए, इस परिपाटी को तो बंद करो। एक छात्रावास एक के अधीन रहो। हालांकि शिक्षा विभाग के जो आप लगा रहे हैं, वैसे तो पूरा ये शिक्षा विभाग के टीचरों के अधीन ही चल रहा है कि उनके जो टीचर्स हैं वो छात्रा जो सुपरिटेंडेंट है उनका काम देख रहे हैं। आप इसमें भर्तियां करें और जो दो तीन जो चार है उन चार्जों को तुरंत कहें कि सिर्फ एक के पास एक ही चार्ज है, उनको हटाएं ताकि वो व्यवस्था देख सके, नहीं वो पढ़ने वाले छात्रों का नहीं देख नहीं पाए। इसके अलावा पालनहार योजना, जिसका बजट पिछली सरकार में 500 से 1000 किया था और जो 6 से 18 वर्ष वालों का 1500 रुपये उस समय किया गया था, इस सीमा को, इसको और अब आगे बढ़ाने की जरूरत है। आप लोग सिर्फ जो हो गया उसको कंटिन्यू करने से नहीं, जिस तरह से महंगा बढ़ गया उससे और आप लोगों को देखना पड़ेगा। बहुत जरूरत उन लोगों के है जिनके माँ बाप नहीं है, पालनहार में उन लोगों का आप जोड़ रहे हैं, 6.5 लाख के करीब का दायरा वो हो चुका है। आज भी बहुत से ऐसे वंचित है, उनको भी जोड़ने का आप प्रयास करें, ताकि वो जो बच्चे जो के माँ बाप नहीं रहे, जो अनाथ हो गए और पालनहार से जोड़े हैं, उनका पूरा हक, पूरा लाभ वो कहीं ना कहीं ले सके। स्कूटी योजना की बहुत से लोगों ने बात की, श्री भागचंद टाकला 5000 स्कूटी, 2000 लिए है आप लोग। विराजय विराजय मानी सर, धन्यवाद सर।